और चलिए खबरों में आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन स्थित अपने निवास से पूरे प्रदेश की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों से विभिन्न जिलों में हुई घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर नागरिकों के हित में जरूरी कदम उठा रहे हैं। सीएम ने धार जिले में बच्चों का जीवन बचाने वाले समाज सेवियों को सम्मानित करने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही झाबुआ में वही दो बच्चियों के परिजन को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए भी ध्यान रखा जाए। इसके लिए अलावा सीएम ने ग्वालियर कलेक्टर से चर्चा कर ट्रॉमा सेंटर की घटना की जानकारी ली है और कलेक्टर को निर्देश दिए हैं भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए सतर्कता बरती जाए। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद उज्जैन स्थित निवास से ही प्रदेश की स्थिति पर नजर भी बनाए रखे हुए हैं और प्रशासनिक अधिकारियों से फोन पर चर्चा भी कर रहे हैं। आईसीयू नहीं है, एक बार कंफर्म कर लेना कि ऐसा कोई बीमार है या बीमार ऐसी बार देख के बताना, लेकिन ऐसी घटना ना हो इसका प्रयास जरूर। पैसा लगेगा तो लग जाएगा, पैसे पर जनरेशन है, इसका कोई रास्ता नहीं। ये डेंगू भी पड़ गया क्या? आईसीयू नहीं है,